आज बीन्स आलू की सब्जी बनाती हूँ जो रोटी पराठा और पूरी के साथ बहुत अच्छा जाते हैं। वेलकम टू माय चैनल फान विद कुकी। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं यहाँ 250 ग्राम बीन्स ले लिया। बीन्स का जो स्टॉक पार्ट या हार्ड पार्ट होता है साइड में, उसको काट लेती हूँ और अप्रोक्सीमेट हाफ इंच के लेंथ में इसे छोटे छोटे टुकड़े में काट लेती हूँ। बाकी बीन्स भी मैं इसी तरह से काट के रेडी कर लेती हूँ। सारे बीन्स मैं काट के रेडी कर लिया। कढ़ाई में 2 चम्मच के आसपास तेल डाल दिया मैं, 1/2 चम्मच जीरा डाल दिया। दोनों को गर्म होने देती हूँ। एक मीडियम साइज़ का आलू को मैं छोटे छोटे टुकड़े में काट लिया। तेल गर्म हो गया, आलू को डाल देती हूँ और आलू को पहले फ्राई कर लेती हूँ। आलू फ्राई हो गया है। अब इसमें प्याज, लहसुन, अदरक, हरी मिर्च और टमाटर का जो पेस्ट है 1.5 चम्मच डाल देती हूँ। आलू के साथ मसाला को भी अच्छी तरह से, आलू और मसाला मेरा फ्राई हो गया है। हल्दी पाउडर डाल देती हूँ, सब्जी मसाला पाउडर डाल दिया 1 चम्मच। मिक्स कर लेती हूँ अच्छी तरह से। थोड़ा सा पानी डाल देती हूँ, नहीं तो मसाला नीचे जल जाएगा। अब काटी हुई बीन्स डाल देती हूँ। मसाला के साथ बीन्स को भी अच्छी तरह से मिक्स कर देती हूँ। नमक डाल देती हूँ स्वाद अनुसार, मिक्स कर लेती हूँ। अब सब्जी कुक होने के लिए 1/2 कप के आसपास पानी डाल देती हूँ और कढ़ाई को कवर करके मीडियम फ्लेम में सब्जी कुक होने तक इसे पका लेती हूँ। 5-7 मिनट हो गया है। एक बार लीड खोल के चेक कर लेती हूँ। बीन्स मेरा कुक हो गया है। एक बार मिक्स कर देती हूँ। गरम मसाला पाउडर डाल दिया ऊपर से। स्पैचुला से कुछ आलू को मैं मैश कर देती हूँ जिससे सब्जी का थिकनेस अच्छी आएगी। बस ये हो गया है। गैस बंद करके इसे थोड़ा सा स्टैंडिंग टाइम देती हूँ। मेरा सिंपल वे में बनाया हुआ बीन्स आलू के सब्जी बनके तैयार है। रेसिपी अगर पसंद आई तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना भूलिएगा नहीं। अपना ओपिनियन भी मेरे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स फ्रेंड मेरे वीडियो देखने के लिए। आगे भी बने रहिए। होममेड सिंपल रेसिपी मैं अपलोड करती हूँ जो आप घर पे बना पाओ। तो आज यहाँ तक ही। मिलते हैं कोई और एक रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय, हैव ए गुड डे।